हेलो नमस्ते जी, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हिंदी महीने के चैत्र महीने की शुरुआत हो गई है, तो वैसे इसमें कोई खास कुछ है नहीं, कोई त्यौहार वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ महीने की शुरुआत हुई है। तो हमारे ऐसी रिवाज है गाँव में कि हर महीने जब भी नया महीना शुरू होता है तो सबसे पहले खास काम होता है उसकी पूजा का। तो वो होता है सबसे पहले उठ करके घर में साफ़ सफाई करके, नहा धो करके, पूरी तरह तैयार हो करके, तो उसके बाद करते हैं वो पूजा। तो उसको बोलते हैं पात्री डालना। तो मैंने भी अभी वो पात्री डालने का काम कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद कर रही हूँ अपनी वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत मैं अंदर बैठ करके ही कर रही हूँ क्योंकि आजकल बाहर हमारे सुबह 7 बजे से पहले धूप लग जाती है। तो अगर मैं बाहर से वीडियो की शुरुआत करूँगी तो चारों तरफ से धूप ही धूप लगी होती है और उस धूप की वजह से क्या होता है कि कैमरे में लाइट पड़ती है, तो उसकी वजह से कैमरे में उतना क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए अंदर से मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। और पूजा का काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी मैंने खाना नहीं बनाया हुआ है, तो अब जा रही हूँ मैं रसोई में खाना बनाने को। तो चलिए चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ रसोई में और यहाँ पे देखिए हमारा चूल्हा, मैंने अभी चूल्हे में आग नहीं लाई हुई है क्योंकि सुबह मैंने जो पात्री डाली है ना, पूरे घर की दहलीज भी डालते हैं हम, तो पात्री चूल्हे पर भी डालते हैं हम। तो ये देखिए अभी चूल्हे की भी पूजा की हुई है और मैंने नहाने के लिए जो पानी गर्म किया हुआ है ना, तो घर के बाहर मैंने आग जलाई हुई है तो वहीं पर गर्म किया है मैंने। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं आपको आज मैं खाने में क्या बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने आटा गूंथ के रखा हुआ है सुबह का, तो ये रखा है मैंने सीजने के लिए, सीजना बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में इसको। और इसके मैं आज मैं बनाऊँगी भटूरू और सुहाड़ू जो कि गांव का फेमस खाना है। और इस कुकर में मैंने अरबी उबाली हुई है, तो ये अरबी भी मेरी पक गई है। तो अब सबसे पहले ये जो मैंने अपनी अरबी उबाली है तो मैं इसका छिलका निकालूंगी और इसको पहले तड़का लगाऊंगी और फिर उसके बाद दिखाऊंगी आपको कि कैसे गांव में हम भटूरू और सुहाड़ू बनाते हैं। और बहुत पहले बनाते थे इनको, आजकल तो बहुत ही कम हो गया, आजकल तो नई नई डिश शुरू हो गई है, लेकिन ये तो बहुत ही पुराना खाना है, पहले तो हम ज़्यादातर इसी खाने को खाया करते थे। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आज आपको भी कैसे बनाऊँगी मैं आज भटूरू और सुहाड़ू। तो अरबी की सब्ज़ी को मैंने छील के और काट करके रख लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे इस थाल में मैंने तड़का लगाने का पूरा सामान तैयार करके रख लिया है और वहाँ पे चूल्हे पे आग भी जल गई है। तो अब मैं चूल्हे पे कढ़ाई रखूँगी और सब्ज़ी को तड़का लगाऊँगी। तो सब्जी को मैंने तड़का लगा लिया है और उबलने के लिए रख लिया है और पीछे वाले चूल्हे पे मैंने पानी गर्म करने को रखा हुआ है। और अब मैंने जो आटा गूंथा हुआ है तो उसकी मैं इकट्ठा सारी रोटियां बेल कर रखूंगी, उसके बाद ही उनको तवे पे पकाऊंगी। फिर तो यहाँ पे मैंने सारी रोटियाँ बेल के रख ली है और चूल्हे पे मेरी सब्जी पक गई है, तो अब मैं सब्जी की कढ़ाई को नीचे उतारूंगी। तो खाना हमारा बन गया है और ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये बनी है हमारी रोटियाँ। तो इसको हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं सुहाड़ू
और इनको लगाया हुआ है घी, तो बोलते हैं इनको स्वाड़ू, और जिनको घी नहीं लगाते हैं उनको बोलते हैं भटूरू। और ये तवे पर ही बनते हैं, वैसे कचौड़ी जैसे ही बनते हैं खाने में, तो बिल्कुल टेस्ट इनका होता है ना, तो कचौड़ी जैसा ही आता है। और यहाँ पे कढ़ाई में है हमारी अरबी की सब्जी, तो ये देखिए ये हमारी अरबी की सब्जी, और इसको मैंने आज ज़्यादा पानी नहीं डाला हुआ, थोड़ा सूखी बनाया है मैंने इसको रोटी के साथ ना, ऐसी सब्जी अच्छी लगती है। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब हमें भूख लग गई है, तो अब हम फटाफट से गर्मा गर्म खाना खाएंगे। वो खाना हमने खा लिया है, और ये जो मैंने आज खाना बनाया था ना, तो ये गांव का बहुत ही फेमस खाना है। और पहले तो जब भी कोई त्यौहार हुआ करते थे ना, तो ये वाला ही खाना बनाते थे त्यौहारों में, इसको वो बोलते हैं हम सोहाड़ू, जो खाना मैंने बनाया है। ऐसे आजकल तो बहुत ही कम बनता है, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी नई नई डिश बनाते हैं हर घरों में, लेकिन ये हमारी पुरानी परंपरा है, तो इसको भी कभी कभी बनाना चाहिए, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। तो आज मैंने भी बनाया बहुत दिनों बाद। और वैसे आज कोई खास त्यौहार तो है नहीं, लेकिन आज हिंदी महीना जो है ना, वो नया महीना शुरू हुआ है, तो इसलिए मैंने नए महीने की शुरुआत में ये खाना बनाया हुआ है। और गांव में ज़्यादातर हम लोग तो ऐसे ही मानते हैं कि जिस दिन हर नया महीना शुरू होता है, तो हमारे लिए एक छोटा सा त्यौहार ही होता है। और अब मुझे ना फिर से लग जाना है काम में, मुझे अभी अंदर दूध है लगाने को, तो फटाफट से मैं वो दूध रखूँगी लगाने को, और बर्तन तो मैं रख लूँगी बाहर इकट्ठे करके, उनको तो हरदीप धो लेगा। और मेरा तो वही सुबह से शाम तक काम ही खत्म होता है, दिन में 3 टाइम मुझे खाना बनाना होता है, और बाकी घर का पशुओं का भी साथ में चला रहता है। और वैसे एक हाउस वाइफ का तो ये काम होता ही है सारा दिन भर, मेरा क्या, जितनी भी मेरे जैसी हाउस वाइफ है ना, तो उनका तो सारा दिन काम खत्म ही होता है, सुबह से शाम तक काम में लगे रहो, बस काम उनका खत्म होता नहीं है, और उनकी ज़िंदगी में आराम होता नहीं है, ऐसी होती है एक हाउस वाइफ की ज़िंदगी। तो दूध लगाने का काम भी मेरा कम्प्लीट हो गया है, और साथ में रसोई में मुझे बहुत सारे बर्तन थे इधर उधर फैले हुए ना, तो उनकी सेटिंग भी थी करने को, तो उनकी सेटिंग भी की मैंने साथ में। और शाम के लिए मैंने दाल भी डाल ली है, अब पता तो है शाम को खुद कोई खाना बनाना है, तो क्यों ना अभी से शाम के खाने की तैयारी में भी लग जाऊँ। और ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।